परमेश्वर का धन्यवाद करें, कहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आज का दिन मैं देख पाया हूँ आपकी दया के कारण, आपकी कृपा के कारण। मैं आज के दिन के लिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। यार इस साल के आखिरी महीने में परमेश्वर उनके अनुग्रह से हमें ले आए, हम जिंदा है। परमेश्वर की बड़ी करुणा का कृपा का फल है। आए हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपकी दया से हम जीवित है, सुरक्षित है। प्रभु आपकी दया से परमेश्वर हम सही सलामत है। परमेश्वर ने हमारी हर एक जरूरतों की पूर्ति की, प्यारो उन्होंने हमें संभाले रखा, वो हमारा चरवाहा बनकर हमारी हर एक जरूरतों का ख्याल रखता था। प्यारो हमें क्या खाना है, पीना है, हमारी कौन सी जरूरत है, सब कुछ वो प्रभु ने देखा है। हम पुकारे उससे पहले, उन्होंने हमारे पुकारों से भी पहले हमारी जरूरतों को पूरा किया है, उन्होंने हमारी केयर ली है। आए प्रभु का धन्यवाद करें, कहिए प्रभु से, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु से कहे कि परमेश्वर आज जब हम आराधना में चाह रहे हैं, आप अनुग्रह दीजिए कि हम आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना कर पाए। प्रभु से कहिए कि प्रभु सब कुछ भूल कर, सब कुछ बाजू पर रख कर आपकी आराधना में खो जाने का अनुग्रह दीजिए। प्रभु पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हमारी दुआ है आज आप हमें अनुग्रह दीजिए। प्रभु आपकी आराधना करने के लिए हमारे मुखों को खोल दीजिए। प्रभु ये साल के इस आखिरी महीने में परमेश्वर आपके अनुग्रह से हम प्रवेश कर पाए। प्रभु आज हम धन्यवाद की भेंटों को आपके चरणों में लाना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी केयर के लिए, आपने हमारी जरूरतों की पूर्ति की उसके लिए। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। हमें अनुग्रह दीजिए, हमारे मुखों को खोल दीजिए प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ भूल कर आज आपकी आराधना हम कर पाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह हम पर होने दीजिए। इस समय के विरुद्ध कार्यरत हर एक दुष्ट आत्माओं को शैतान के कामों को मत्ती 18:18 के अनुसार बांध देते हैं, तोड़ डालते हैं, निष्फल कर देते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम में। हमारी ये दुआ प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता कबूल करें, आमीन आमीन। हे प्यारो हमारे पिता के चरणों में जाए, ये गाना प्रभु की आराधना करते हुए गाना चाहते, तेरे पवन आकर मैं धन्य तुझे कह सका, तेरे करीब आकर मैं आदर तुझे दे सका, मेरे यीशु, मेरे प्रभु और मेरे राजा। आई हमारे राजाओं को, हमारे प्रभु को महिमा देते हुए इसके भवन में, उसकी उपस्थिति में, उसके चरणों में जाते हुए ये गाना गाए। प्यार वो परमेश्वर है जो पवित्र स्थान में विराजमान परमेश्वर है, उसका सिंहासन सर्वोच्च सिंहासन है। प्यारो वो पवित्र सिंहासन पर विराजमान और पवित्रता में प्यारो हम उसकी आराधना करना चाहते, प्रभु से कहना चाहते तू पवित्र है। हमें अनुग्रह दीजिए कि हम भी आज पवित्रता में सच्चाई से आपकी आराधना कर पाए, आमेन। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाए।
Yeshua, I have a hunger, I have a prayer, I have a prayer, I have a prayer.
भी हमारे प्रभु हो, आप प्रभु हो के भी प्रभु हो। हालेलुया, ताली बजा कर प्रभु को धन्यवाद दे कर। यीशु आप राजाओं के भी राजा, सर्वोच्च सिंहासन पर, पवित्र सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आकाश में प्रभु की स्तुति, पृथ्वी पर शांति, उद्धार करता यीशु है और वो है इम्मानुएल। इम्मानुएल मतलब प्रभु यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहे यीशु मेरे साथ है, वो हमारे साथ है। प्यारों, इसी कारण हम इस साल के आखिरी महीने तक पहुंच पाए, उसका अनुग्रह है, उसकी सुरक्षा है। प्यारो हालेलुया, प्यारो वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, वो अद्भुत युक्ति बनाने वाला परमेश्वर है और वो ही शांति का राजकुमार है। इस कठिन समय में दुनिया भले ही अशांति से होकर गुजरती हो प्यारो, वो शांति का राजकुमार मेरे और आपके जीवन में है। तूफानों के बीच में भी शांति प्रदान करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, न सिर्फ वो शांति देता है, वो युक्ति करने वाला प्रभु है। वो आपके लिए युक्ति करेगा, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, वो आपके लिए प्यारो मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हाथों को उठाकर कहे यीशु आप शांति के राजकुमार हो और आप युक्ति करने वाले और अनंत काल टिकने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया, वो अनंत काल का पिता है, उसे धन्यवाद देते हुए गाना गाए। उसके राज्य का अंत न होगा, उस
आपके साथ है, वो आपके पास है और वो हमेशा आपके पास रहेगा। हालेलुया, आई उसे धन्यवाद दे जो मुझे बचाने, आपको बचाने स्वर्ग से इस दुनिया में आया। हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, प्रेम और सच्चाई लाया जगत में, हमको बचाने आया जगत में, प्रेम और सच्चाई लाया जगत में, वो इम्मानुएल प्रभु हमारे साथ है, वो इम्मानुएल यीशु हमारे साथ है, आप मेरे पास हो हर समय हर परिस्थिति में, जो मेरे लिए मुझे बचाने स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आ गया, कुछ भी परवाह नहीं की, सबसे ज्यादा बढ़कर मुझसे प्यार किया वो यीशु, आप मेरे साथ हो। इस दिसंबर में हम आपके नाम का धन्यवाद करते हुए प्रवेश कर रहे हैं प्रभु यीशु, कि पूरा साल आप हमारे साथ रहे और आगे भी आप हमारे साथ रहने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी गाना प्रभु को हम धन्यवाद देते हुए गाए, गाने के शब्द है, जीवन मिल गया, आशीष मिल गई, बरकत आई है खुदा, ये सब प्यारो यीशु के आने से हमने पाया है। हालेलुया प्यारो, जब से यीशु हमारे जीवन में आए प्यारो, तब से प्यारो हमने जीवन को, अच्छे जीवन को, भरपूर जीवन को पाया है। हालेलुया, आशीष अब ठहर रही है, सिर्फ मुंह दिखाकर आशीष चली नहीं जा रही प्यारो, अब आशीष हमारे जीवनों में ठहरी है, बरकतें आई है प्यारो, सारे बंधन टूटे हैं, गम मिटे हैं और आंसू अब सूख गए हैं,
यीशु के आने से। हालेलुया, आए प्रभु को महिमा दे प्यारो, प्रभु की आराधना करते हुए गाना गाए। मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। ओ जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। मेरी ढाल को बन जाता ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। वो ना मैं उगता उगता ना मैं थकता, थकता करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ओ ना मैं उगता उगता ना मैं थकता, थकता करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। ओ जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। वो जीवन मिल गया आशीष, ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा।
जीवन मिल गया, मिल गया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई, आई है खुदा। ईमान मैंने किया, साथ यीशु का मिला, उसने तरस मुझ पर खा, मुझे चंगा कर दिया। उसने तरस मुझ पर खा, मुझे चंगा कर दिया। ईमान मैंने किया, साथ यीशु का मिला, उसने तरस मुझ पर खा, मुझे चंगा कर दिया। उसने तरस मुझ पर खा, मुझे चंगा कर दिया। वो तुलसी चढ़ गई, चढ़ गई डूबे भी गई, गए डर गए दुश्मन, हार गए है खुदा। वो तुलसी चढ़ गए, चढ़ गए डूबे भी कर गए, डर गए दुश्मन, हार गए, हार गए है खुदा। वो बंधन टूट गए, टूट गए गम भी मिट गए, मिट गए आंसू सूख गए, सूख गए है खुदा। टूट गए गम भी मिट गए, मिट गए आंसू सूख गए, सूख गए ऐ खुदा। वो जीवन मिल गया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई, आई ऐ खुदा। वो जीवन मिल गया आशीष तेरी, तेरी बरकत आई, आई ऐ खुदा। और आखिरी स्टैंजा जब हम गा रहे हैं, उसे कहना चाहते, प्रभु तू जीवन का सागर है और मैं तुझ में तैरना चाहता हूँ। वो प्यार का सागर है प्यारो, क्यों? क्योंकि मेरे जैसे पापी को यीशु ने थामा, मेरे जैसे पापी का हाथ यीशु ने थाम लिया है। हालेलुया प्यारो, हम ये गाने का आखिरी स्टैंजा गाए, उससे पहले गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्रोनोक्स करके जगह में, गलियों में, रोड पर रहने वाले ये व्यक्ति की गवाही हम आज सुनना चाहते हैं प्यारो। उनके माता पिता भी ड्रग्स में डूबे हुए थे, ड्रग्स के नशे में डूबे हुए थे, पूरा परिवार ड्रग्स में बर्बाद हो गया था और उसकी असर इस पर भी पड़ी थी प्यारो, अलेक्जेंडर पर भी। और वो ऑर्फन एज ए माँ बाप के साए के बिना ही उनकी परवरिश हुई, कोई उनके किसी का भी उनके ऊपर हाथ नहीं था, कोई उनको सिखाने वाला नहीं था, कोई उनको साथ देने वाला नहीं था। और 11-12 साल से ही वो गुनाह करने लगे। वो जब छोटे थे तब उनको जुवेनाइल कोर्ट में, जो बच्चों की जेल होती है, वहाँ पर उनको ले जाया गया। जब वे थोड़े बड़े हुए फिर से उन्होंने गुनाह किया, लगभग 16-17 साल की उम्र में, और उनको फिर से जेल में लिया गया, ले जाया गया। और जेल में जाते ही बिना कारण उन्होंने दो व्यक्तियों को चाकू मार दिया, बिना कारण। और उसके कारण उनको आइसोलेशन में, एक ऐसी जेल में ले जाया गया जहां कोई नहीं रहता था, वो अकेले थे वहां। लेकिन एक थे उनकी आंटी जो उनके लिए दुआ करते थे, उनको प्रभु की बातें बताते थे, बाइबल देते थे। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर थे, ये सब बातों को सुन नहीं रहे थे। एक गार्ड था जो जेल में, वो भी परमेश्वर की बातें उसे सिखा रहा था। और ये अलेक्जेंडर को लग रहा था ये गार्ड कुछ अलग है, वो कुछ कुछ बातें उसकी सुनता, कुछ बुक्स इसे दी जाती और वो उसे पढ़ता था। और उसको सजा देने के लिए कोर्ट में ले जाया गया। और जब वे कोर्ट में गए, उसने एक आवाज़ सुनी, तुझे 9 साल की जेल होगी, तू हाँ बोलना, तेरा गुनाह अगर तू कबूल कर लेगा तो 9 साल से ज़्यादा सजा तुझे नहीं होगी। और वो जब वहाँ पर गया, उसने जैसे ही आवाज़ को सुना, वो चौंक गया कि आवाज़ आई कहाँ से। और उसने देखा कि जज के बराबर पीछे लिखा हुआ था, इन गॉड वी ट्रस्ट। और उसे तुरंत पता चल गया ये परमेश्वर की आवाज़ है। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उनको 9 साल की जेल हुई। लेकिन वो जेल के समय में वो परमेश्वर के करीब आए, वो खतों को लिखते अपनी आंटी को, और आंटी उनकी जो थी वो परमेश्वर के विषय में उनको बताते रहते हैं। और वैसे वो धीरे धीरे करके परमेश्वर के पास आए। जब एक दिन वो खत पढ़ रहे थे,
खत लिख रहे थे, अचानक से उनके कान में एक आवाज आई, फॉलो मी। जेल में ये व्यक्ति जो पापी है, जिसने दो व्यक्तियों को चाकू से मारा है, ऐसी व्यक्ति को एक आवाज आ रही है, फॉलो मी। और वो और किसी की आवाज नहीं थी, वो परमेश्वर की आवाज थी। और उसने वही दिन परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया, प्यारो, अपने पापों से पश्चाताप किया। और एक पापी व्यक्ति जो बचपन से गुनाही जीवन जी रहा था, दो दो व्यक्ति को चाकू भी मार दिया था प्यारो, वो व्यक्ति को प्रभु यीशु ने माफ कर दिया, अपना बेटा बना दिया प्यारो। और उन्होंने बाइबल पढ़ना शुरू किया प्यारो, और आज वो परमेश्वर के दास है, आज वो पास्टर। आप जो देख रहे हैं वो उनके ओरिजिनल पिक्चर है, वो आज परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ऑथर है, अच्छे लेखक है, बुक भी लिख रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया प्यारो, ये परमेश्वर है। उनकी आंटी कहती है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज वो सचमुच बदल गया है, आज वो परमेश्वर का दास बन चुका है। हालेलुया हालेलुया, वो परमेश्वर है प्यारो, जो पापियों को प्यार करता है, पापियों को माफी देता है, क्योंकि वो प्यार का सागर है। हालेलुया, आए या क्रिश्चियन जब प्रभु को महिमा देते हुए गाए। यीशु जीवन का सागर, उसमें चाहूं तैरना, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा। यीशु जीवन का सागर, उसमें चाहूं तैरना, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा। हो ना कोई मिला मिला, ना कोई होगा होगा तेरे जैसा सुंदर सुंदर है तुझा। ना कोई मिला मिला, ना कोई होगा होगा यीशु जैसा सुंदर सुंदर है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। वो जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ऐ खुदा। वो जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ऐ खुदा। मेरी ढाल को बचाता ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता ख्याल रखता हर पल का, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता, मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। हो ना मैं डूबता डूबता मैं पकता पकता करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। ना मैं डूबता डूबता मैं पकता पकता करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई ऐ खुदा। यीशु जीवन का सागर, उसमें चाहूं तैरना, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा। यीशु जीवन का सागर, उसमें चाहूं तैरना, मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा,
मेरे जैसे पापी को मेरे यीशु ने थामा। हो ना कोई मिला मिला कोई होगा होगा यीशु जैसा सुंदर सुंदर है खुदा। हो ना कोई मिला मिला कोई होगा होगा यीशु जैसा सुंदर सुंदर है खुदा। टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए ऐ खुदा। वो जीवन मिल गया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ऐ खुदा। जीवन मिल गया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। वो बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए है खुदा। वो आशीष ठहरी ठहरी है खुदा। जीवन मिल गया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए है खुदा। टूट गए गम भी मिट गए सुख गए है खुदा। जीवन मिल गया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जो भी हमने पाया है सिर्फ तेरे कारण। हर एक आशीषों का स्रोत आप हो। हम पापियों को प्रेम आपने किया हमारी ढाल बनकर सुरक्षा दी। बंधनों को तोड़े आंसुओं को पोछे हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। ये जीवन जीने जैसा नहीं था लेकिन वही जीवन को आपने सुंदर जीवन बनाया। हम आदर व सम्मान आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारी आराधना को कबूल करें। आमीन।